पांचवा बाब आदम की नस्ल। ये आदम का नसब नामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खल्क हुए उनका नाम आदम रखा। और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत और शबीह का एक बेटा उसके हां पैदा हुआ, और उसने उसका नाम सेत रखा। और सेत की पैदाइश के बाद आदम 800 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और आदम की कुल उम्र 930 बरस की हुई तब वो मरा। और सेत 105 बरस का था जब उससे अनूस पैदा हुआ, और अनूस की पैदाइश के बाद सेत 807 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और सेत की कुल उम्र 912 बरस की हुई तब वो मरा। और अनूस 90 बरस का था जब उससे कीनान पैदा हुआ, और कीनान की पैदाइश के बाद अनूस 815 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और अनूस की कुल उम्र 905 बरस की हुई तब वो मरा। और कीनान 70 बरस का था जब उससे महलल एल पैदा हुआ, और महलल एल की पैदाइश के बाद कीनान 840 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और कीनान की कुल उम्र 910 बरस की हुई तब वो मरा। और महलल एल 65 बरस का था जब उससे यारद पैदा हुआ, और यारद की पैदाइश के बाद महलल एल 830 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और महलल एल की कुल उम्र 895 बरस की हुई तब वो मरा। और यारद 162 बरस का था जब उससे हनूक पैदा हुआ, और हनूक की पैदाइश के बाद यारद 800 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और यारद की कुल उम्र 962 बरस की हुई तब वो मरा। और हनूक 65 बरस का था जब उससे मत्तूसिलह पैदा हुआ, और मत्तूसिलह की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं, और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। और मत्तूसिलह 187 बरस का था जब उससे लमक पैदा हुआ, और लमक की पैदाइश के बाद मत्तूसिलह 782 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और मत्तूसिलह की कुल उम्र 969 बरस की हुई तब वो मरा। और लमक 182 बरस का था जब उससे एक बेटा पैदा हुआ, और उसने उसका नाम नूह रखा और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मुशक्कत से जो जमीन के सबब से है जिस पर खुदा ने लानत की है हमें आराम देगा। और नूह की पैदाइश के बाद लमक 595 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और लमक की कुल उम्र 777 बरस की हुई तब वो मरा। और नूह 500 बरस का था जब उससे सिम, हाम और याफ्त पैदा हुए।